हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर यूज़ करते हो और उसमें से चूजे बनाते हो तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसमें जो मैं देसी फार्मूला बताने जा रहा हूँ वह कभी कभी आपके काम में आ सकता है। तो दोस्तों, इनक्यूबेटर वाले ध्यान से सुने। अगर मान लो आपने अंडे रख के पूरे 21 दिन हो चुके हैं और आपके आधे अंडों में से चूजे निकले या फिर चूजे कम निकले हैं, और 22 दिन पूरे कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपके चूजों की संख्या नहीं बढ़ी, तो 22 दिन पूरे कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप इनक्यूबेटर में का एक उठाकर बाहर ऐसे कटोरी में ऐसा तोड़ के देख सकते हो। अगर उसमें से पानी निकलते हुए दिखता है पीला पीला, तो समझ लेना वो अनफर्टिलाइज्ड है, जैसे कि ये देखा आपने। और एक दूसरा ट्राई करेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसमें से ये पूरी तरह से हमने क्रैक कर दिया है बट कुछ नहीं निकला, इसे हमने वापस इनक्यूबेटर के अंदर रख दिया। क्यों? अंडे क्रैक करने से हमारा यह फ़ायदा होता है, अगर उसके अंदर चूजा है और वह अभी तक मरा नहीं, तो दोस्तों वो अंडे को तोड़ के बाहर आ जाएगा, उसे बाहर निकलने में आसानी होगी। अगर वो मर चुका है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मर गया है, आप अंडा तोड़ो या कुछ भी करो। लेकिन बाहर कटोरी में हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर अंडे में पानी है सिर्फ, वो अनफर्टिलाइज एग है, तो उसकी गंदगी इनक्यूबेटर के अंदर ना फैले। सभी अंडों को आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा क्रैक कर सकते हो, अगर उसके अंदर जान है तो वह अंडा तोड़ के बाहर आ जाएगा। लेकिन यह आपको 20-21 दिन नहीं करना है, पूरे कंप्लीट 22 दिन हो जाने के बाद और आधा दिन जाने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कभी कभी ह्यूमिडिटी इनक्यूबेटर के अंदर बनती नहीं, अगर आपका इनक्यूबेटर सही तरह से नहीं बना है तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है, आपके अंडों में से चूजे बाहर कम निकलेंगे, उस समय आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके इसमें ह्यूमिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है तो यह समस्या आपके साथ होगी, ऐसे समय में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आप 15 अंडों को क्रैक करके अगर रखोगे तो कम से कम उसमें के 2-4-5 तो निकल ही जाएंगे, बट अगर उन्होंने अंदर ही चूजों ने दम तोड़ा है तो आप क्रैक करो कि कुछ भी करो, कुछ ही नहीं निकलने वाला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चूजा 21वें दिन ही निकलने की कोशिश करता है, अंदर से जोर लगा लगा के वह थक जाता है, फिर भी उससे छिलका क्रैक नहीं होता और वह अंदर ही दम तोड़ देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वह चोंच मार देता है बट उससे ज़्यादा उसका पावर नहीं चलता और वह अंदर दम तोड़। यह सभी कारण ह्यूमिडिटी के होते हैं दोस्तों, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनाए। और यह मैंने एक देसी फार्मूला आपके सामने रख दिया, अनफर्टिलाइज एक तो आप इजीली पहचान सकते हो, थोड़ा सा क्रैक करने के बाद में अगर पानी निकलता है तो अनफर्टिलाइज एग है, और जिस अंडे के अंदर चूजा बना हुआ है वह क्रैक करने के बाद भी पानी नहीं निकलेगा, सफ़ेद सफ़ेद किलची नुमा, यानी अंडे का छिलका उतारने के बाद भी वाइट वाली लेयर उसके ऊपर रहेगी, वह एक के अंदर दोस्तों चूजा बना हुआ होता है, जैसा कि आप ये एक देख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर चूजा बना हुआ है, अभी उसकी कोई हलचल नहीं हो रही है, उस कारण वो मरा भी हो सकता है और ज़िंदा भी हो सकता है। अगर वो ज़िंदा है तो छिलका तो हमने तोड़ दिया है, वो आसानी से बाहर आ जाएगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़रूरतमंद दोस्तों में इसे शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।